हम जो भी चीजें दिखा रहे हैं वो आपको अलग तरीके दिखाएंगे, अलग से तरीके की। ये वाली स्विफ्ट वापस देखे, और गाड़ी की बात हुई है, बाहर देख लेते हैं। इसको वापस बंद कर दिया, लॉक हो गया। अब यहाँ से कूदने के अलावा हमारे पास कोई जरिया नहीं है। बेसिकली गाइस, सब लोग ना गोवा को देख के ना सिर्फ ये सोचते हैं कि गोवा इज ऑल अबाउट बीचेस, बट नहीं, ऐसा नहीं है। गोवा में बहुत सारे डिजाइनर स्टोर भी हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स यहाँ रहते भी हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स यहाँ से बिलोंग भी करते हैं। ज्यादा प्यार बाहर मत बांटना, नहीं तो फिर इतने प्यार बटेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे मतलब बट ही जाओगे तुम आपस में बीच में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप अच्छे होगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होगे। सो गाइस, आई होप आपको इस सीरीज में मजा आ रहा होगा। और बस मैं बस एक बात जरूर कहूंगा कि भाई, टाइम निकाल के अभी जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बाद में आप वीडियो देखने में बड़े मस्त हो जाते हो और सब्सक्राइब रह जाता है। तो गाइस, आपको यही दिखा रहे हैं हम जहाँ घूम रहे हैं, जैसा जैसा जगह जा रहे हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा, हमने एक बहुत सही कैफे पे गए थे, जो पूजा बेदी हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनका था, तो उनसे मिले भी सही, आपने थंबनेल में पिक्चर देखी ली होगी। तो अब हम जा रहे हैं, एक बारी दिन वही है, वो व्लॉग पिछला था, ये नया व्लॉग शुरू कर दिया हमने उसी दिन में। अब जा रहे हैं डिनर के लिए एक बार वेगेटर बीच पे। तो मैडम चले? यस, बिल्कुल चलते हैं, लेट्स गो। या चलो चलते हैं गाइस, और जाके मिलते हैं अब आपको। गाइस ये देखो, रास्ते में एक आया कोई पैलेस करके है, ये पीरो पैलेस, वेरी नाइस। पेड्रो पैलेस, लव द आर्किटेक्चर एंड द कलर ऑफ द बिल्डिंग इज ग्रेट। और ये देखो साथ में वो है, गाइस वी हैव रीच्ड वेगेटर। वी आर एट डुक्की, दिस इज डुक्की एट वेगेटर, टेक द प्लंज। कैलोरी कितनी गजब की है, देखना गाइस रास्ता, दिस इज टू गुड। सी सी, गोवा इज ऑल अबाउट आर्किटेक्चर। या स्टेयर्स ऊपर भी है, वी आर गोइंग टू सेट दिस है, दिस इज ऑल द क्लब एरिया। This is the seating जो ऊपर है, और सामने से दे आर ऑपरेटिंग है, which is good। ये देखिए यहाँ, ये बहुत सारे बने हुए और डिफरेंट डिफरेंट, और ये देखो नीचे ये सी है, देख रहे हो। सो गाइस, ये हमने ले लिया टेबल और यहाँ से देंगे, और सामने से म्यूजिक इंजॉय करें और नीचे का व्यू देख रहे हैं। देखना गाइस डुक्की का कितना जबरदस्त मेन्यू है, डूब जाए आदमी इस मेन्यू में। और ये नहीं है, इसके साथ और भी है, इसके पीछे भी है, और ये हमारे काम का नहीं है, ये वाला हमारे काम का नहीं है। सो गाइस, ये आ गया है एक बटर चिकन प्लेटर, हमने मंगवाया था, ये तो खाली प्लेट है, ये रहा बटर चिकन प्लेटर और साथ अनियंस एंड दिस, ओ माय गॉड। सो गाइस, पहले तो हमने टेबल चेंज किया, पहले हमारा टेबल वहाँ पे था, अब हमने कर लिया इनको, क्या भाई डीजे वाले ऑक्स छेड़ रहे हैं, भाई ऑक्स ना छेड़ो डीजे वाला। सो गाइस, अब हमने मंगवा लिया है डेजर्ट, ये देखो। अल्टीमेट है, मतलब 10 out of 10। हम जो भी चीज़ें दिखा रहे हैं वो आपको अलग तरीके दिखाएंगे, अलग से तरीके की। सो गाइस, स्ट्रीट वॉक कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आराम से मस्त हो गए। सो भाई आ गए हैं वापस से अपनी गाड़ी में, वॉक वॉक करके बढ़िया सी। टाइम हो गया है 11:05 है, ये फ्रॉस्ट क्या जम गई बाहर से। चलो गाइस चलते हैं, कोई बात नहीं, रास्ते में करते हैं बात। वी आर बैक एट होम, और देखो आते ही कितना क्लीन मिला यार, ये जो वाइब्स है ना, ये अल्टीमेट है, जो घर वाली वाइब्स आती है, जैसा हम छोड़ के गए थे उससे बेटर हमें मिला। देखो सब एक्स्ट्रा सामान, और ये किचन भी बिल्कुल क्लीन, और ये सब अपना है, हम खरीद के लाए थे सामान जो उस दिन, वो पड़ा है, जितना यूज़ हो सकता था यूज़ किया, बाकी देखो
यहाँ हमने लगा रखा है डिस्प्ले पूरा। The next day. Good morning guys, ये देखिए ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और ये मैडम ने कर दिया बढ़िया सा रेडी। आज हम यहीं पे करके प्रॉपर्टी पे करके जा रहे हैं। किचन में हमने बना लिया क्योंकि सामान हमारे पास सब कुछ था ही था, तो मैडम खा रही है मूसली और मैं कर रहा हूँ पोहा। सो गाइज, एक बार हम निकल रहे हैं यहाँ से, जा रहे हैं ये वाली स्विफ्ट वापस देके। एक और गाड़ी की बात हुई है, वो वाली लेंगे, मतलब बता देता हूँ आपको क्या है, बेलिनो लेने का प्लान है। तो वो इसे थोड़ी सी नई है, तो हमने कहा चलो यार उसमें इंजॉय कर लेते हैं, इसके भी तो दो दिन मजे ले लिए। और ये हमने जहाँ से ली थी वो थोड़ा सा दूर था, और ये एरिया दूसरा है, हम कैंडोलिम से लेके आए थे और अब ये है हम ऐसा गाँव में। तो हमने कहा चलो यार वो वाली ले लेते हैं, क्योंकि आपको मस्त मस्त अब ड्रोन शॉट्स और ये चीज़ें भी तो दिखानी है ना गाइस। Hours later. पहुंच गया घर पे और थोड़ा सा खाया जा रहा है तरबूज, क्योंकि भाई गर्मी बहुत है और थोड़ा सा ठंडक के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए है। भाई ये किचन को दोबारा से यूज़ कर लिया गया क्लीन होने के बाद, बाकी ये भैया हैं हमारी क्लीन कर देते हैं जो बाहर घूम रहे मस्त वाला। और ये देखो ये है कुछ आज का लंच, दाल मखनी और राइस कर रहे थे कुछ यहाँ पे शूट, और मैडम ने क्या किया कि हम इधर से बाहर निकले थे इसको वापस बंद कर दिया, लॉक हो गया। अब यहाँ से कूदने के अलावा मेरे पास कोई जरिया नहीं है, आगे से जो मेन डोर है वो लॉक है, क्या करें, पीछे का इमरजेंसी डोर भी लॉक है वो तो खोलेगा, सूरज पे तरीका आ गया हुआ है, ये जो केयर टेकर प्रॉपर्टी का तरीका आ गया हुआ है, देख लेते हैं। बुला बुला थक गया लेकिन इसका नंबर नहीं लग रहा, तो लेकिन लगाएंगे कल सुबह इसका नंबर भी लगाएंगे और आपको दिखाएंगे मस्त मस्त शॉट, बहुत बढ़िया पुल बना हुआ है। और गाड़ी आ गई अपनी नई वाली, वो भी दिखाते हैं आपको, पानी की बोतल लगाई थी। तो गाड़ी आ गई बेलिनो, इग्नोर करना पीछे की वैसी है बेलिनो मस्त, ओह माय गॉड नई वाली, देखो इसका मज़ा कितना है चलाने का नई गाड़ी का, वो पुरानी गाड़ी थी। चलिए गाइस हम लोग निकल चुके हैं एक घूमने फिरने, कहाँ पे भाई, यहीं आसपास एक बढ़िया सी मार्केट है, एक बार उसको एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाते हैं वो भी मार्केट। गाड़ी में ऑयल फिल करा लिया हमने, थोड़ा डलवाया क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादा डलवा दो ना तो फिर कभी मन हुआ चेंज करने का कुछ हुआ तो फिर दिक्कत होती है, थोड़ा थोड़ा करके डलवा दिए, 500-500 रुपये का डलवा लेंगे, पास में ये पंप कोई दूर नहीं है। पियर एट कोलाबू बाय संदीप। देख लो गाइस कितनी सही सलामी दे रहे हैं, हाँ नमस्कार, और क्या स्टोर्स है, गोइंग टू मस्टर्ड कैफे, कुछ ट्राई करते हैं बढ़िया सा। सो गाइस दिस इज द कैफे, तो गाइज हम लोग निकल लिए वहाँ से, नहीं समझ आया क्योंकि बंगाली फूड था। हाँ भाई बेल्ट लगा रहे, यही आगे वाले में शॉप में जा रहे यार, कहीं नहीं जा रहे एक सेकंड के लिए ही, तो आगे कुछ देखते हैं कुछ खाने का और आता है तो बढ़िया सा। रोज किचन गोवा किचन टैवर्न रेस्टोरेंट TAVERN, हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे अंदर होगी, दिस इज विम एक्सेट्रा क्लोथिंग, ओह माय गॉड स्टेप्स भी है बीच में, देखिए कितने जबरदस्त गैलरी बनाई है, बीच में स्टेप्स हैं, दिस इज सुपर कूल। गाइस ये है एंट्री, कुछ स्टोर तो आज बंद है, ट्यूसडे को बंद रखते हैं, ये है बेसिकली नाम, बट इनकी इनकी एंटायर प्रॉपर्टी भी है, कैफे एंड रूम्स एंड गेस्ट हाउसेस, तो एक बार वो चेक कर लेते हैं। सो गाइस दिस इज द कैफे, बट ये आज क्लोज है, फिर ट्यूसडे बंद रखते हैं। ये है कैफे और इनका सबसे बढ़िया बात है कि दे हैव अ पूल लाइक दिस, दे हैव अ लाइव किचन, दे हैव अ लाइव बार, दे हैव सेटिंग, ये इनका कुछ पूल बहुत बढ़िया।
guys, now we are trying this Mission Do Voyage. Okay, parking is inside. Oh my god. They're so nice and lively. Yes, bahut lively se bana hai. Hamare yahan to itne acha cafes bhi nahi hote. बेसिकली गाइज ये क्या था कि सब लोग ना गोवा को देख के ना सिर्फ ये सोचते हैं कि गोवा इज़ ऑल अबाउट बीचेस, बट नहीं, ऐसा नहीं है. गोवा में बहुत सारे डिज़ाइनर स्टोर्स भी हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स यहाँ रहते भी हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स यहाँ से बिलोंग भी करते हैं. तो ये जितने भी हमने आपको थोड़े बहुत जो स्टोर दिखाए, सब तो नहीं देख पाए हम, और थोड़े बहुत जो हमें पता था कि भाई जो रिनाउंड हैं डिज़ाइनर्स, वो हमने देखे, विजिट करे और आप लोगों को दिखाए जितने जितने क्लिप्स थे. अंदर का दिखाना ठीक नहीं होता क्योंकि हम किसी कलेक्शन को ऐसे पब्लिकली नहीं डाल सकते, तो वो आप लोगों को खुद ही देखना पड़ेगा. बट ये है कि आपके लिए ऑप्शंस है, अगर आपको कुछ चाहिए तो यू कैन विजिट दीज स्टोर्स, और मतलब इस टाइप का आप देख सकते हो स्टफ जो है, जो मतलब जो जितने डिज़ाइनर्स भी देखे हैं आप, इनके कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम हैंडल्स आपको दिख जाएंगे, उन पर भी देख सकते हो कि भाई ये क्या रखते हैं, क्या क्या करते हैं. तो ये था हमारा बेसिकली ये चीज़ें दिखाने का मतलब. और हमें थोड़ा सा कंटेंट इस बार जो है वो डिफरेंट टाइप का बना रहे हैं, क्योंकि बीचेस तो गोवा पे हर कोई दिखाता है, बीचेस तो बहुत कॉमन है, हर कोई दिखाता है, बट हम लोग गोवा की वो साइट्स भी दिखाना चाहते हैं जो जहाँ बहुत कम लोग जाते हैं. अब जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो थोड़ा सा एक पॉश करके एरिया है, जो थोड़ा सा कॉस्टली है गोवा से, गोवा में, नॉर्थ गोवा में. तो बाकी ठीक है, अच्छा है एरिया, मज़ेदार है, पहाड़ों पर भी है, बीचेस का व्यू भी है, और बाकी बीचेस पे भी जो जो जा रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे. तो कल चलेंगे दिन में बीच पे भी भाई, क्योंकि अभी तक हम दिन में नहीं गए हैं, रात में तो हम दो तीन बार हो गए, इसे पहले वाले ब्लॉग्स में आपने देख लिया होगा. तो चल रहे हैं, आप कुछ खाते पीते हैं, थोड़ा सा स्ट्रीट पे देखते हैं. गाइस वी आर हियर एट मापूसा मार्केट. थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा बहुत, क्या है मार्केट में. जैसे हमें कुछ नहीं समझ आया तो हम आ गए सीधा डोमिनोज पे. डोमिनोज पे कर दिया पिज़्ज़ा ऑर्डर, अभी आ जाता है फिर दिखाते हैं क्या खा रहे हैं. बस आ गया ही हमारी गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा, खाते हैं फटाफट से. सुबह जी सनसेट व्यू देखना कितना गजब का है, कितना गजब का सनसेट हो रहा है. तब हम निकल रहे हैं कैंडलम से, आए थे वैसे ही, यहाँ दो तीन ब्रांड थे उस पर कुछ देखने आए थे, बट ऐसा कुछ समझ नहीं आया यहाँ के सब पर. चलो गए चलते हैं वापस अब, और अपना फटाफट से तैयार होंगे और जाएंगे डिनर पे, बढ़िया सा डिनर करेंगे आज. सो गाइस हम निकल लिए हैं कहाँ पे, यहाँ पे. हाय गाइस, पहले तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वैलेंटाइंस डे. करेक्ट, कीप लविंग योरसेल्फ मोर, योरसेल्फ कीप लविंग योर बेटर हाफ, योरसेल्फ एंड योर बेटर हाफ. यस, सो गाइस प्यार बांटो, प्यार करो, सब कुछ करो जो करना करो, लेकिन अपनी वाली के साथ ही. ज्यादा प्यार बाहर मत बांटना, नहीं तो फिर इतने प्यार बटेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारे मतलब बट ही जाओगे तुम आपस में बीच में. तो ऐसा काम ना करिए, अपनी वाली के साथ ही प्यार बांटिए जितना बांटना. सो गाइस अब हम जा रहे हैं पार्टी पे, और ये है कुछ हमारी लुक. फुल लुक अभी आपको जाके दिखाते हैं, या फिर आपको पिक्चर्स में भी दिख जाएगा, इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो आप फुल लुक हमारी. तो अब चल दिए हैं हम एक बढ़िया सी लोकेशन पे, आपको भी दिखाते हैं उस लोकेशन के बारे में और बताते हैं कैसा रहा और क्या रहा हमारा एक्सपीरियंस. सो गाइस वी आर एट आई लव बेल बॉटम्स, विल ट्राई दिस. सो गाइस दिस इज द प्रॉपर्टी, भैया विल असिस्टेंस कि हमें कहाँ जाना है, रूम नंबर देखना कैसे हैं. आई लव 103 सबके पास लिखा है, बिल देखना कितना का चलता है. गाइस वी आर एट लेवल्स, और क्यों है यहाँ पे, वहाँ पे भाई मज़ा नहीं आया हमें, तो ऐसी वाइब्स नहीं आई, तो हमने कहा चेंज कर लेते हैं. चलो लेट्स गो टू लेवल्स. वो ना लेवल के साथ से रास्ता जा रहा है, लेवल्स के साथ से नीचे, तो हम एक नीचे जा रहे हैं, तो देखते हैं अगर कोई अच्छा उसके पास मिलता है तो विल गो देयर. रास्ता ऐसे स्टेयर्स है यहाँ से नीचे जा रही है, कोई अच्छा शैक मिलता है तो विल गो देयर. सो गाइस बहुत जद्दोजहद के बाद हम नीचे तो आ गए हैं,
अब देखते हैं कुछ यहाँ कुछ मजेदार मिलता है कुछ। आगे है कुछ अपना डिनर और उसमें मंगवा लिया हमने पनीर मखनी क्योंकि आज ट्यूसडे है और बढ़िया से अनियन दे दिए उन्होंने, नान और रोटी। और चलो एंजॉय करते हैं वाइब्स के साथ, इन वाइब्स के साथ। सो गाइस ये है, ये हमारे ट्राइपॉड को इग्नोर करना, ये है पूरा व्यू इसका, जो ये लेवल्स है ना देखो, इधर भी सिटिंग है उधर भी सिटिंग है, नीचे इनका स्पेशल पार्टी के लिए अगर कोई पार्टी होती है तो। गाइस इन्होंने कितना सही बना रखा है ये एक उधर कॉर्नर में, और यहाँ कैंडल्स भी चलाते हैं रेगुलरली, बहुत सही, वेरी नाइस। सो गाइस वी आर डन विद द डिनर, नाउ वी आर लीविंग। तो आपको मैंने ओवरऑल सेटिंग सारी दिखाई दी है, कुछ बाहर के पास भी बैठ सकते हो, कुछ पीछे भी है सेटिंग, कुछ इधर भी है और कुछ सामने भी है, वेरी नाइस। अभी थोड़ा सा खाली है क्योंकि हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। बस पहुंच गए हैं घर पर, और आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों का शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन दबाना मत भूलना। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।